नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म सर्कस बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो चुकी है। रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में थे और दोस्तों ये फिल्म इतनी बुरी तरह से डिजास्टर साबित हुई है कि रोहित शेट्टी की साख को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बट्टा लग गया है। उनकी साख बिल्कुल खराब हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़े डायरेक्टर जिनकी सफलता का 100% रिकॉर्ड रहा है सर्कस से पहले, तो दोस्तों ऐसे डायरेक्टर की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर इस तरह से डिजास्टर साबित होना एक सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन दोस्तों, रोहित शेट्टी एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे व्यक्तित्व है जो कभी हार नहीं मानते। बहुत मेहनत से, बहुत कामयाबी के बाद में उन्होंने, बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों, वे इस अपनी पुरानी असफलता को भूलकर नई तैयारियों में जुट गए हैं। उनके अभी पुलिस के ऊपर जो वेब सीरीज बना रहे हैं, वो इंडियन पुलिस के ऊपर, वो तो उनकी लगभग कम्प्लीट होने वाली शूटिंग, लास्ट शूटिंग शेड्यूल उसका उस समय चल रहा है। मार्च तक की शूटिंग शेड्यूल ये कम्प्लीट हो जाएगा। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रमुख भूमिका में, वियो कोबरा है, शिल्पा शेट्टी है, तो काफी बड़ी वेब सीरीज ये यहाँ पे आने वाली है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। ये तो रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, रोहित शेट्टी की जो महत्वाकांक्षी फिल्म है सिंघम अगेन, उसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट निकल करके सामने आया है। और दोस्तों, इस अपडेट में आप रोहित शेट्टी तथा अजय देवगन को साथ देख सकते हैं। और अजय देवगन ने खुद इस बारे में जानकारी दी है कि उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, सिंघम अगेन की स्क्रिप्ट पढ़ी है, उनको सिंघम 3 की स्क्रिप्ट का नरेशन दिया गया है। मतलब कि इतने बड़े सुपरस्टार है, तो ऐसे ही नहीं है कि रोहित शेट्टी ने कह दिया कि ये फिल्म करनी है सिंघम अगेन। अजय देवगन पहले स्क्रिप्ट देखते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट पसंद आने के बाद में ही वो हाँ करते हैं। तो उनको स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पसंद आई है और दोस्तों सिंघम अगेन की तैयारियां शुरू हो गई है। आपको बता दूं, अजय देवगन तो इस फिल्म के प्रति इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया है कि ये मेरी 11th ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी। इससे पहले अजय देवगन 10 ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, तो उनके अनुसार ये उनकी 11वीं ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी। हो सकता है कि उन्होंने इस लिस्ट में अपनी एक दो फिल्मों को और शामिल कर लिया हो जो सिंघम अगेन से पहले रिलीज होगी, क्योंकि दोस्तों सिंघम अगेन की जो शूटिंग है वो अप्रैल में शुरू हो जाएगी, अप्रैल 2023 में, क्योंकि मार्च तक अपनी वेब सीरीज है उसको कंप्लीट कर लेंगे रोहित शेट्टी, उसके बाद में सिंघम 3 पे लग जाएंगे वो। और दोस्तों, साथ ही रोहित शेट्टी ने भी ये कहा है कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, पूरी ईमानदारी से काम किया है, पूरी मेहनत से काम किया है, पूरी दृढ़ता के साथ काम किया है, और अब जो मैं काम करने वाला हूँ वो और भी ज्यादा मेहनत से करूंगा, बहुत ईमानदारी से करूंगा, हार्डवर्क से करूंगा, और अब तो मेरे सीने में एक आग भी है। आग का मतलब उनकी पिछली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो चुकी है, डिजास्टर साबित हो चुकी है। तो रोहित शेट्टी को फिर से अपने आप को प्रूव करना है। तो अजय देवगन और रोहित शेट्टी जब जब साथ आते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास लिखा जाता है और उम्मीद की जाती है कि सिंघम अगेन दोबारा ये काम करने में सफल रहेगी। यहाँ पर आपको सिम्बा भी नजर आएंगे, रणवीर सिंह भी नजर आएंगे और दोस्तों सूर्यवंशी यानी कि अक्षय कुमार भी नजर आने वाले हैं। तो बहुत बड़े बजट में ये फिल्म बनाई जाएगी। रोहित शेट्टी ने कहा है कि सिंघम से 3 गुना ज्यादा बड़ी फिल्म ये होगी। तो बहुत बड़े बजट में फिल्म बनाई जाएगी, बहुत जबरदस्त, इसमें आपको एक्शन सिक्वेंसेज देखने को मिलने वाले हैं और कमाल करने वाले अजय देवगन तथा रोहित शेट्टी। अभी से इतना बड़ा विश्वास है दोनों को कि अजय देवगन ने तो शूटिंग शुरू होने से पहले ही फिल्म को ब्लॉकबस्टर साबित कर दिया है। अब ये उनका अति आत्मविश्वास है या केवल आत्मविश्वास है, या तो दोस्तों आने वाले टाइम में पता चली जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से अजय और रोहित की जोड़ी जब साथ आती है तो कमाल तो करती है। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे ही फिल्म के बारे में और लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं मैं आपको तुरंत अपने चैनल पर जानकारी दूंगा। फिलहाल इतना ही। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।